वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशोत्सव की धूम पूरे मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और खासकर अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, टेलीवुड की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जिसको समय मिला है, जिसके अंदर श्रद्धा है, उसने गणपति बप्पा को अपने घर पे लाया है। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे पीकेजी। पीकेजी का मतलब क्या है वो तो बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं गणपति बप्पा का, आप दर्शन कीजिए। बुद्धि के देवता और जो भी कलाकार होते हैं वो प्रथम पूज्य गणपति की पूजा ज़रूर करते हैं। खासकर गणेशोत्सव का जब दौर होता है, जब माहौल होता है, ऐसे में गणपति बप्पा जब आपके घर पर आते हैं तब आपकी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ जाती है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से गणपति बप्पा का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर बरसने लगता है। अगर हमारी कामना में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, और जो भी हम सोचते हैं उसके पीछे का जो एक उसके पीछे की जो शक्ति होती है वो बुद्धि के राजा की होती है, और यही कारण है कि बुद्धि के राजा कोरिया का राज पूर्णिमा चौधरी पी के जी पूर्णिमा के गणपति। पूर्णिमा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो गणपति बप्पा मौर्या। सबसे पहले ये बताइए कि गणपति बप्पा को आप कब से अपने घर पे ला रही हैं, और ये कितना कौन सा साल है? ये मेरा दूसरा साल है, और मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी, तो ऐसे ही कि मेरा भी घर हो तो मैं लेके आऊँ थोड़े बड़े। लेकिन मैं जब गई थी लेने के लिए बहुत छोटे गई थी, और 1.5 दिन के, लेकिन मैं वहाँ गई तो मुझे उन्होंने इतने बड़े दे दिए, पूरे के पूरे इतने बड़े, और मैं 1.5 दिन के लाई थी, वो अचानक से कुछ भी हुआ वो पूरे 5 दिन रह कर गए। तो फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर जब मेरा घर होगा तो मैं अच्छे से धूमधाम से लेके आऊँगी आपको। तो अब की बार देखो आपके सामने कितनी खूबसूरत लेके आई हूँ, तो अब की बार मैंने पूरी तैयारी की है इनके लिए, मोदक बनाए, पूरी डेकोरेशन की जितना मुझसे हो सकता था, और थोड़ा कलर भी डिफरेंट लिया। तो बस 2 साल हो गए, और बाबा की आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी मैं बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से सेवा करके अच्छे से लेके। घर तो मिल गया, अगली बारी जो है बंगले की है, बंगला बहुत मायने रखता है मुंबई में। जी बिल्कुल, अभी तो ये खैर छोटा घर है, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर बड़ा बंगलो, तो बड़े गणपति आए और धूम धड़ाके से आए। अब की बार भी अच्छे आए, लेकिन नेक्स्ट ईयर और भी धूम धड़ाके से आए, ताकि और रौनक हो और पूरे और ज़्यादा दिन के लिए आए। वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि सब मतलब सब कुछ मिल गया है, उनके रहने से घर भरा हुआ लग रहा है, और सेवा करने में इतना मज़ा आ रहा है कि बस कहीं मत जाओ। तो पूरे मैं 5 दिन उनको यही देने वाली हूँ, पूरा टाइम देती हूँ, इनके लिए खाना बनाती हूँ तीनों टाइम का, जितनी सेवा हो सकती है मैं इनके लिए करती हूँ। बिल्कुल। और जब भी कोई कलाकार पूजा अर्चना करता है तो गणपति बप्पा सुनते हैं, आपने बतौर कलाकार क्या मांगा अपने लिए, किस मुकाम तक आप जाना चाहती हैं? मैंने इनसे कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा कि जो मुझे चाहिए आपको पता है, तो आप मुझे दे दीजिए, अच्छा नाम दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, सुख शांति जो सब मांगते हैं वही मैंने मांगा है सबसे इनसे, बाकी कुछ इन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, उन्हें पता है दिल की बात के क्या चाहिए क्या नहीं, तो वो बिना मांगे देते हैं, और वो दे रहे हैं। 2 साल से मैं लेके आई, मैंने पिछले साल जो मांगा था उन्होंने मुझे दिया। हर मुराद पूरी कर रहे हैं आपकी? जी जी बिल्कुल, इनके आशीर्वाद मेरे ऊपर अभी बना हुआ है, और मैं चाहती हूँ ऐसे बना रहे, क्योंकि इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी मुंबई में रहने के लिए, क्योंकि ये तो मुंबई के राजा हैं, और इनसे ज़्यादा तो किसी से हम कुछ मांग ही नहीं सकते, तो इनसे ज़्यादा कोई पता ही नहीं है, मतलब जो देंगे देंगे, और वो दे रहे हैं, मेरी सारी जो मनोकामना है वो पूरी कर रहे हैं, और अभी भी करेंगे। तो यही खासियत है, विशेषता है गणपति बप्पा की, कि अपने भक्तों के बीच जब जाते हैं, खासकर उसके घर तक पहुंच जाते हैं, तो जाहिर है जब आपके घर मेहमान आता है या फिर कोई रिश्तेदार आता है, उसी की तरह से बिल्कुल अपने हो जाते हैं गणपति बप्पा, और अपनों से सब कुछ मांगा जा सकता है। निश्चित रूप से पूर्णिमा को बहुत कुछ मिला है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसको गणपति बप्पा सर ज़रूर समझेंगे। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि आरती के जो या भजन के 2-4 लाइन पूर्णिमा आपके लिए बताएं, गाएं, और आप भी समझ सकें कि वाकई इनके अंदर कितना कितना टैलेंट है। कुछ तो 2-4 लाइन गाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आरती की शुरू करती हूँ। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा।
जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोड़िन को काया, अंधन को आँख दे तो कोड़िन को काया। निर्धन बांजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर साम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर साम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। वाह वाह वाह, यही गणपति बप्पा की जो भक्ति है, श्रद्धा और आस्था की गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा होती है सबकी, क्योंकि गणपति बप्पा बहुत ही खास इसलिए भी हैं कि दुनिया के सृष्टि कर्ता जो हैं भगवान शिव, उनके पुत्र हैं और उनको आशीर्वाद है कि सबसे पहले दुनिया में जब भी हिंदू शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ होगी तो सबसे पहले गणपति की पूजा होगी। चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कितने दिनों का है, कितने दिनों के बाद आप? 5 दिन की मैं लेके आई, तो मंडे को इनका विसर्जन है और मुझे तो पक्का पता है मैं रोने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब घर से जाते हैं, लास्ट टाइम भी मैं बहुत रोई थी, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस जाने ना दूं, लेकिन 5 दिन के लिए आए तो जाना तो इनको हो गई, क्योंकि नहीं तो माता गोरा मुझे मारेगी। बात करने के लिए शुक्रिया और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भगवान की जो अंदर से जो भी शक्ति है वो आपको प्राप्त होती रहे और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और मेरे गणपति को सबको दिखाने के लिए, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, जब गणपति बप्पा ही जब राजा हों और इनका जो आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं से यही भावना दिल में आती है कि आपके अंदर जो संस्कार है उसको समझिए और गणपति बप्पा का जो संदेश है यानी भक्ति भावना जो है, सिर्फ यही है कि आप प्यार से रहिए और समाज को एक दशा और दिशा देने में अपनी भरपूर भूमिका निभाइए। तो आज का जो माहौल है, ऐसे में सिर्फ एक ही बात आप महसूस कीजिए, सुनिए और सुनाइए, जिसको कह सकते हैं गणपति बप्पा मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।